आज हम उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और किसान नेता श्री प्रकाश पांडे जी के साथ। उनसे चर्चा करेंगे खेती किसानी को लेकर, खास तौर से किसानों की समस्याओं को लेकर हम उनसे आज बात करेंगे। श्री प्रकाश पांडे जी, आपका हमारे बुंदेलखंड ट्रिपल्स में बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय पत्रकार जी, बहुत धन्यवाद है। राजीव जी, आपके द्वारा जो इस किसानों के समय विषय में चर्चा की गई है, किसान हमारे बुंदेलखंड के अंदर समूचे छतरपुर जिले में इस समय किसान पीड़ित है। ओलावृष्टि, अति वर्षा के कारण किसान परेशान है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत ही किसान को मसीहा है, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों के मसीहा है, हमारे कृषि मंत्री पटेल साहब भी हैं, परंतु जिला प्रशासन इसमें ढुलमुल राजनीति कर रहा है। जिला प्रशासन ने आज तक कोई भी ऐसा सर्वे नहीं कराया कि किसानों की मदद की जाए, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील इलाका में जाते हैं, स्वयं भ्रमण करते हैं, और राजनगर तहसील में तो इस तरह का रवैया है। साहब, पत्रकार साहब, इस व्यथा के लिए आप ऊपर उठाइए आवाज। SDM राकेश परमार जी और तहसीलदार वर्मा साहब, आज तक इन्होंने राजनगर तहसील के अंतर्गत अपनी टीम गठित नहीं की। ओलावृष्टि के तहत किसानों का सर्वे नहीं कराया, किसान परेशान है, अपनी फसल काटने लगा है। लीपा पोती में ये तहसील प्रशासन लगा हुआ है। इस वर्ष जिस तरह से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई, अंत में जब किसानों की फसल कटने वाली थी, इससे लगभग कितना लगभग नुकसान हुआ होगा किसानों का? मेरे दृष्टिकोण से जो किसानों की समीक्षा है, उनका दो प्रकार का नुकसान है। एक तो उनका 60% से ज्यादा का नुकसान है, दूसरा नुकसान उनका 30% का है, क्योंकि गेहूं काला पड़ गया, पतला पड़ गया, कमजोर पड़ गया, वो पाला की तरह बिछ गया है। तो किसानों का 30 और 60% का अनुमान नुकसान का है। किसान बहुत पीड़ित है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से, हम सब की तरफ से, माननीय पत्रकार महोदय, किसानों की ओर से पहल करें, किसानों को मदद करें। हमें आशा और विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के मसीहा है, निश्चित रूप से मदद करेंगे। और तहसील राजनगर में जो अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता, चाहे वो SDM हो जो वर्तमान में है, चाहे तहसीलदार हो, पूरा हमला कांग्रेसी मानसिकता का है। इनके खिलाफ जरूर उदंडता की कार्रवाई होना चाहिए। किसानों को अक्सर सिंचाई को लेकर बातें आती हैं, समस्याएं आती हैं, जबकि छतरपुर जिले में 3-4 बांध हैं, बड़े बांध हैं, राजनगर तहसील में ही 3-4 बांध हैं, फिर भी पानी की ऐसी कमी क्यों हो रही है और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा खेतों में? चूंकि छतरपुर जिले में जो राजनगर तहसील में और विधानसभा के अंतर्गत जो बांध है, उसमें कुछ हिस्सा बूढ़ा बांध का आता है, हमारा रनुआ डैम है, बैनी सागर डैम है, कुटने डैम है, ऐसे 4 बांध हमारे इसमें आते हैं। इसमें लापरवाही कार्यपालन इंत्री की है। जब बारिश होती है, उस समय गेट समय पर नहीं लगाए जाते हैं, समय पर पानी का रख रखाव नहीं होता है। किसानों के साथ जब उन्हें पानी चाहिए, तब उस पर इनके पास कर्मचारियों की कमी बता करके, नहरों की साफ सफाई करके, इस तरह से किसानों को मनगढ़ंत किया जाता है। हमारे बैनी सागर बांध की तो बहुत बुरी दशा है पत्रकार साहब। इन जब से एयरपोर्ट बड़ा है, नहर को किनारे से कर दिया है, बीच की नहर बंद कर दी है, तो इसमें पीड़ित किसान जटकरा, कुंदरपुरा, गढ़पुरा, मऊ, बैनीगंज, बमनोरा, इन किसानों जो हमेशा पीड़ित रहते हैं और किसानी से वंचित होते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। अभी केन बेतवा लिंक परियोजना की भी बात आ रही है, तो उससे भी काफी नहरों का विकास होगा, खेतों तक पानी पहुंचाने की बात हो रही है, आप कितना मानते हैं इस चीज को? हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था केन बेतवा का, जो साकार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के किया गया। यह योजना बहुत अच्छी है और किसानों के हित में होगी। जो आज जमीन बिना उसके खेती के पड़ी है, असिंचित रखवा है, उसमें सिंचित होगा और किसान मजबूत होंगे। इस केन बेतवा लिंक को बहुत ढीला ढाली काम हो रहा है, इसको बहुत जल्दी से जल्दी इस काम को कराना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेकर के इस कार्य को जल्दी कराए, किसानों को समर्पित करें। तो ये थे हमारे बीच किसान नेता प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने किसानों की पीड़ा को अपने माध्यम से बताया है। निश्चित रूप से शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासतौर से प्रशासनिक अमले को। यह जो इन्होंने कहा है, जिस तरीके से बातें बताई हैं, उस पर गौर करने की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर इस बात पर ध्यान देंगे। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।